सो हे गाइज, वेलकम बैक टू चैनल जैद इज़ हियर एंड यू आर वॉचिंग आरजेडएम ब्लॉग्स। सो आई एम बैक विद ए न्यू वीडियो और काफ़ी लंबे समय के बाद ये आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वीडियो आ रही है बट अब आएंगे रेगुलर्स, आप ऐसे कनेक्ट करना। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का ब्लॉग है। हाँ, मैं बता देता हूँ, क्लिक बेट नहीं है भाई, ये हकीकत है। तो आपके साथ वही कहानी शेयर करना आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दो जिंदगियां होती है, एक शादी से पहले जो जीते हैं और एक वो शुरू होती है जो शादी के बाद होती है। तो आपके भाई की दूसरी वाली शुरू हो चुकी है, शादी के बाद वाली। तो इससे पहले की जो जिंदगी थी वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखी हुई है और अब जो आगे आने वाली है वो भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखूँगा अपने, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं जो ये चेंज हुआ है ना बिटवीन शादी का टाइम, शादी वाली कहानी शुरू करते हैं आपके साथ। तो गाइस, फाइनली मेरी शादी हो चुकी है और अभी कहानी शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि 5 दिसंबर के बाद मैंने एक वीडियो डाली थी अपने बर्थडे के बाद, जिसमें मनाया था, मेरा बर्थडे था और कुछ स्पेशल भी था जैसा कि मैंने शेयर किया था उसमें, बट मैंने कहा था कि मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी था और साथ में आपके भाई की इंगेजमेंट थी। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, कोई अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था मैं शादी के बाद पूरा एक कम्प्लीट ब्लॉग दूंगा इसके ऊपर। तो यस गाइस, दिस इज वीजा लेने आ चुके हैं, आ गए हम रस्ते में। आज वीजा लगेगी जैद भाई। शादी हमारी जो डेट फिक्स हुई उसमें ज़्यादा दिनों का गैप नहीं था, मतलब थोड़ा सा ही था, बट ये था कि मैनेजेबल था। तो हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ करी, इस वजह से मैं काफ़ी कुछ शूट नहीं कर पाया, बट फिर भी आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आए। तो 21 मार्च 2022 को आपके भाई की शादी हुई, ठीक है, ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है। तो मैं पूरे एक महीने बाद मना रहा हूँ ब्लॉग। तो बारात वाले दिन मिलते हैं आपको सीधा, हल्दी वल्दी मैं नहीं दिखाना, ठीक है, बहुत बुरी हालत थी मेरी, मैं शेयर ही नहीं करूँगा कुछ और। तो सीधा बारात वाले दिन आओ आप। तो गाइस, अभी चल रही हैं शॉपिंग और वो किस चीज़ की शादी है, सब लोग यहाँ हैं। ट्रायल रूम में पीछे नहीं छोड़ा मेरे लोग, ठीक है, देख रहे हो। गाइस फाइनली हमारा रूम का पेंट कंप्लीट हो चुका है। मैंने क्या कहा, तो गाइस वी आर रेडी। मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि शादी के वक्त जो होता है ना, जो दूल्हा होता है, जो जिसकी शादी होती है, दुल्हन होती है, उनकी जो फीलिंग्स होती है बहुत अलग ही होती है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हम जल्दी से किसी को, और बहुत ही वाला अलग लेवल की होती है, ठीक। कभी फुर्सत में समझाऊंगा, वो नहीं तो लंबी हो जाएगी। शाम को हम लोग घर आए, वापस अंधेरा हो चुका था। अब दुल्हन की जो एंट्री होनी थी, अब भाई हम बाइकर हैं, ठीक है, बाइक लवर है, तो हमारी एंट्री में पटाखे वटाखे की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास बाइक्स जो है ना वो सारा काम कर देती हैं। हमें बाइक के साउंड पसंद है फायर क्रैकर से ज़्यादा, ठीक है। तो आपके भाई ने कर दी कॉल कि आ जाओ सारे, तो सारे आ गए, तो आप एंट्री देखिए दुल्हन की। We'll be right back.
और नेक्स्ट डे आता है अपना वलीमा यानी कि रिसेप्शन, और रिसेप्शन के दिन इतने काम होते हैं ना, इतने काम होता है कि कैमरा तो छोड़ो भाई साहब, मोबाइल की कॉल्स उठाने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, और मैंने सारे काम निपटा करके मैं हॉल में 2:30 हम लोगों ने एंट्री की थी, काफ़ी सारे गेस्ट आ चुके थे बट मैं लेट था, बट एंट्री दूल्हा दुल्हन की तो धमाल होती है, तो आप वो चेक करें। फाइनली गाइस, आप लोगों ने शादी का ब्लॉग देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड, सो आप सबकी दुआ चाहिए साथ में, ठीक है। और बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अब ब्लॉग्स रेगुलर आएंगे और कंटिन्यूसली आते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।